Hello guys, welcome back and another video of Aryavarta Study, a new way of learning. दोस्तों यदि हम बात करें ऊष्मा की यानी हीट की, तो इसका ट्रांसमिशन यानी संचरण तीन माध्यमों से होता है, चालन, संवहन और विकरण. तो जो चालन है उसको हम कहते हैं कंडक्शन. और ये क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, चलिए आज हम इसके बारे में जान लेते हैं. तो जो चालन है जैसे हम कंडक्शन कहते हैं, क्या है, जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को दे देते हैं, पूरी वस्तु गर्म हो जाती है और ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं. अर्थात इस विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है. ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ठोस को ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है. आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके सामने एक भट्टी जल रही है और आप एक 5 फीट लंबी रॉड लेकर आते हैं और भट्टी के रॉड का जो अगला 1 फीट का सिरा है भट्टी के अंदर डाल देते हैं. तो अगला 1 फीट का सिरा जब गर्म होगा तो धीरे धीरे वो 4 फीट का भाग जो भट्टी में नहीं है वो भी गर्म हो जाएगा. अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो 4 फीट की रॉड में आगे के 1 फीट के जो उसके कह सकते हैं कि कण हैं वो गर्म हुए और वो कण अपनी गर्मी बाजू वाले को देगा, वो बाजू वाला उसके बाजू वाले को देगा और उसके बाजू वाला उसके बाजू वाले को देगा और ये पूरी चैन बन जाएगी. और इस चैन में वो पूरी 5 फीट लंबी रॉड जुड़ी हुई है, इसलिए जो एक सिरे को गर्म करने पर उसका आखिरी सिरा जो कि भट्टी में नहीं है वो भी गर्म हो जाएगा. और इसी ऊष्मा के संचरण की विधि को हम कंडक्शन यानी चालन कहते हैं. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस एग्जांपल के साथ आप इजीली समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की चीज़ों की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर कुछ बातें और हैं, उनको समझ लीजिए. चालक यानी कंडक्टर, कुचालक यानी बेड कंडक्टर और ऊष्मारोधी यानी थर्मल इंसुलेटर. क्या है ये चालक? जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है उन्हें चालक कहते हैं. ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है, जैसे कि धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर और अन्य चीज़ें. कुचालक की बात करें यानी बेड कंडक्टर की बात करें तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है तथा बहुत कम होता है उन्हें कुचालक कहते हैं. लकड़ी, कांच, वायु, गैस, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर आदि ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं. बुरे चालक अच्छे रोधी रोधक होते हैं. और यदि हम बात करें ऊष्मा रोधी की यानी थर्मल इंसुलेटर की, तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता है उन्हें ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एवोनाइट या एस्बेस्टस. तो ये थी दोस्तों दी गई इन्फॉर्मेशन और उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.